HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कभी सिल्वर स्क्रीन पर अपनी खूबसूरती और अदाकारी के जलवे बिखेरने वाली राखी तो आपको याद ही होंगी। राखी को आखिरी बार साल 2009 में आई फिल्म क्लासमेट में देखा गया था और उसके बाद उन्होंने सभी से दूरी बना ली। तभी से राखी पब्लिक इवेंट्स में कम ही नजर आती हैं। लेकिन हाल ही में वो महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट महोत्सव अवार्ड समारोह में नजर आई। एक वक्त पर सिल्वर स्क्रीन की रानी रही राखी गुलजार इवेंट में पिंक कलर की साड़ी पहने नजर आई। बेशक उनके चेहरे मोहरे में अब काफी बदलाव आ चुका है, बावजूद इसके उनका चार्म आज भी बरकरार है। पूरे इवेंट के दौरान वो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। कई फिल्मों में एक्टर एक्ट्रेस के माँ का रोल निभा चुकी राखी अब मीडिया के सामने आने से बचती हैं। यही वजह रही कि वो सालों से सभी से दूर रहीं। आज राखी मुंबई और उसकी चमक धमक से दूर पनवेल स्थित एक घर में रहती हैं। वो बाहर के लोगों से कम बोलती हैं और खुद में ही मग्न रहती हैं। पति गुलजार से शादी टूटने के बाद राखी ने खुद को अपने आप में ही समेट लिया और गुमनाम रहने लगी। लेकिन कुछ महीनों पहले होली के मौके पर राखी और गुलजार को साथ होली मनाते देखा गया। एक वक्त पर बेहद सुंदर दिखने वाली राखी ने अपने लुक को बिल्कुल बदल दिया है, जबकि उनकी उम्र की रेखा हेमा मालिनी जैसी एक्ट्रेस ने समय के साथ अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन करके रखा है। आज बेशक बढ़ती उम्र की छाप उन पर हावी है, लेकिन अपने जमाने में राखी ने हर मशहूर निर्देशक के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। दोनों ने साथ में 11 फिल्मों में काम किया। वो कभी फिल्मों में हीरोइन के रूप में नजर आईं तो कभी माँ के किरदार में, लेकिन हर किरदार में राखी ने जो रंग जमाया वो कोई और हीरोइन नहीं जमा पाई।